दोस्तों आजकल खांसी सर्दी की समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। लोग थोड़ी सी खांसी सर्दी होने पर काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा होम रेमेडीज बताने वाला हूँ जिसे करके सर्दी खांसी कफ में तुरंत राहत मिल जाता है। दोस्तों इस रेमेडी को मैंने खुद ट्राई किया है जो खांसी सर्दी में तुरंत राहत देता है। ये सर्दी खांसी कफ के लिए एकदम असरदार टी है जिसे हर कोई आसानी से बना सकता है, और इसमें मैंने जो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया है वो डेफिनेटली आप सभी को अपने किचन में मिल जाएंगे। तो जो भी व्यक्ति इस होम रेमेडी को घर में ट्राई करेगा उन सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वो अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, जिससे लोगों की हेल्प हो सके और जिससे लोगों को पता चल सके कि ये नुस्खा वाकई वर्क करता है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको एक कप पानी लेना है। अब इस एक कप पानी को आपको इस खाली पतीले में डाल देना है। फिर इस एक कप पानी को आपको गर्म करने के लिए गैस पर चढ़ा देना है। अब इसमें सबसे पहले आपको थोड़ा सा चाय पत्ती ऐड करना है। फिर इसमें आपको ऐड करना है जिंजर यानी कि अदरक। दोस्तों आपको अदरक को सबसे पहले छील लेना है, फिर छिले हुए अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है। मैंने यहाँ पर एक कप के हिसाब से अदरक का टुकड़ा लिया है, आप चाहे तो इससे ज्यादा भी ले सकते हैं। मैंने इस अदरक के टुकड़े को यहाँ पत्थर की सहायता से पीस लिया है। अब इस पीसे हुए अदरक को हम इसमें ऐड कर लेते हैं। अब हमें इसमें ऐड करना है ये काली मिरी पाउडर जिसे मैंने पत्थर की सहायता से पीसा है। आप चाहे तो मिक्सचर में भी काली मिरी पाउडर बना सकते हैं, मिक्सचर में भी इसे पीस सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसे थोड़ा जाड़ा ही पीसे, इसका पाउडर ना बनाए। अब आधा छोटा चम्मच काली मिरी पाउडर भी इसमें ऐड कर लेते हैं। अब फाइनली हम इसमें थोड़ा सा चीनी ऐड कर लेते हैं। आप चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो आप चीनी का उपयोग नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अब इसे 5 मिनट तक ऐसे ही उबलने दें, फिर 5 मिनट बाद गैस को बंद कर लीजिए। अब इसे छन्नी की सहायता से छान लीजिए। तो अब तैयार है हमारा जिंजर ब्लैक पेपर टी जिसे आप दिन में कभी भी पी सकते हैं। दोस्तों इस चाय को पहली बार पीने पर ही गले में काफी ज्यादा आराम मिलता है। सर्दी, नाक बहना, गले में दुखाव, सिर दर्द, खांसी, कफ आदि में ये नुस्खा बहुत ही कारगर रहता है। और सबसे अच्छी बात कि इसे बनाना बहुत ही आसान है, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल मैंने किया है वो सभी इंग्रेडिएंट्स आपको अपने किचन में बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे, जिससे हर कोई इसे घर में आसानी से बना सकता है। दोस्तों ये नुस्खा बेहद ही आसान है जो सर्दी खांसी में तुरंत राहत देता है। तो जब भी आपको सर्दी खांसी की समस्या हो तो इसे एक बार जरूर ट्राई करके देखें, और अगर आपको इससे फायदा होता है तो अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, जिससे दूसरों की भी हेल्प हो सके। तो दोस्तों अगर आपको इस जिंजर ब्लैक पेपर टी को बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।